हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए एकदम यूनिक एक मशरूम की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने कभी भी ना खाई होगी। एक बहुत ही अलग तरीके का टेस्ट और फ्लेवर होता है इस डिश का। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देख लेते हैं रेसिपी। सबसे पहले 1/2 kg मशरूम को इस तरह के बड़े साइजेस में काट के ले लेंगे। मशरूम में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहता है, इसलिए 3-4 बार अच्छी तरीके से इसे धो लीजिएगा। धो लेने के बाद दिखाए गए तरीके से मशरूम को हाथों के बीच स्क्वीज करके इसके जितने भी एक्स्ट्रा पानी है निकाल के साइड में रखेंगे। सारे मशरूम्स अच्छे से क्लीन होकर रेडी है। अब कढ़ाई को गैस में चढ़ाएंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे सबसे पहले 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और हाई फ्लेम में मशरूम का सारा पानी ड्राई होने तक हम इसे बीच बीच में चलाते हुए कुक कर लेंगे। मशरूम बहुत ज़्यादा पानी रिलीज करता है। कुछ मिनटों के बाद ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी कितना पानी छोड़ चुका है। इसे इसी तरह से सारा पानी ड्राई होने तक कुक कर लेंगे। कुछ टाइम के बाद मशरूम का सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसे 5 मिनट के लिए और हम हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट के बाद मशरूम अच्छे से फ्राई होके इसका कलर चेंज हो चुका है और हल्का हल्का तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर चुका है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब एक ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे 2 टीस्पून सरसों के दाने, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 कप पानी और इसे आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। इसे भिगोने के आधा घंटा हो चुका है तो अब इसमें हम 8 से 10 लहसुन डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैं ली हूँ मूंगफली, इसे भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करके पूरा स्मूथ पेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह का पूरा स्मूथ सा पेस्ट हमें प्रिपेयर कर लेना है। अब इस मसाले में हम 1/2 कप पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साइड करके रखेंगे। नेक्स्ट मैं 1/2 kg तुरई ली हूँ, इसके स्किन को पील करके छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। तो मैंने इसके स्किन को पील कर लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह के साइजेस में काट लेंगे। 2 मीडियम साइजेस के आलू ले लेंगे, इसके भी स्किन को पील करके इस तरह के साइजेस में काट के ले लेंगे। अब गैस में एक पैन चढ़ा के 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे और तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून पंचफोरन और इसे चटकने देंगे। अब काट के रखे हुए आलू को डालेंगे, तुरई डाल देंगे। 1 मीडियम साइज प्याज को इस तरह से काट के मैं ले ली हूँ, इसे डालेंगे। 3 हरी मिर्ची को बीच में से स्लिट करके डालेंगे। डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। प्रिपेयर करके रखे हुए मसाला पेस्ट को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और डाल देंगे। हाई फ्लेम में इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और हाई फ्लेम में वेजेस पूरी तरह से पकने तक हम इसे कुक करेंगे। बीच बीच में चलाते रहिएगा। कुछ मिनटों के बाद लिड खोलेंगे और यहाँ पे आलू और तुरई पूरी तरह से पक चुके हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी भी आप देख सकते हैं इसकी बढ़िया से थिक हो चुकी है। अब फ्राई करके रखे हुए सारे मशरूम्स को डालेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें अच्छे से। अब इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे, वापस से सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा इस स्टेज में। कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट लो फ्लेम में इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद अब लिड खोलेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और रेडी हो गया हमारा डिश। गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी क्रीमी और डिलीशियस दिख रही है। अमेजिंग फ्लेवर और टेस्ट होता है इस डिश का और कितनी आसानी से भी हमने इसे प्रिपेयर कर लिया। जरूर एक बार अपने घर में बनाइए इस डिश को और मेरे साथ अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।